अरमान के गाल पर पड़ने वाला है एक जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहाँ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गोयनका हाउस में बड़ी माँ बड़े पापा से बात करने की कोशिश करेंगी। हालांकि बड़े पापा बड़ी माँ की बात सुनने से साफ इनकार कर देंगे और वो सीधे रूही को कॉल करेंगे और उसे गोयनका हाउस बुलाएंगे। और जैसे ही रूही गोयनका हाउस पहुंचेगी तो बड़े पापा रूही को उसके मम्मी पापा के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि आखिर बता उन्हें कि तूने अभिरा और अरमान का रिश्ता क्यों तुड़वाया। और वहीं बड़े पापा उससे अरमान और अभिरा को लेकर कई सवाल करेंगे, जिन्हें सुनने के बाद रूही बुरी तरह से टूट जाएगी और वो फिर गुस्से में आके बड़े पापा को अरमान और अभिरा की शादी की पूरी सच्चाई बता देगी और अपने और उसके प्यार के बारे में भी सारी बातें बड़े पापा को बता देगी। वहीं बड़े पापा रूही से तो कुछ कहते नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो अरमान से बात करने के लिए पोधार हाउस जरूर पहुंच जाएंगे। वहीं आगे आप देखेंगे कि अभी अभी पोधार हाउस में अरमान आया है और वो माधव को ढूंढ रहा है और माधव को ढूंढते वक्त अरमान की नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ेगी और उस न्यूज में बताया जा रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई है, जिसे सुनने के बाद अरमान को अभिरा की फिक्र होगी और वो अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर अभिरा के पास चला जाएगा और वहीं अभिरा अरमान को उसके हॉस्टल में आता देख लेगी और वो अरमान के सामने शराब पीने का नाटक करेगी और पूरे हॉस्टल के सामने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करेगी। लेकिन तभी अरमान गुस्से में अभिरा के हाथ से शराब की बोतल लेगा और उसे जमीन पर जोर से फेंक देगा। अब अरमान के जाते ही अभिरा काफी ज्यादा रोने लगेगी और टूट कर जमीन पर बैठ जाएगी। अभिरा से मिलने के बाद जब अरमान पोधार हाउस पहुंचेगा तब उसकी मुलाकात बड़े पापा उसके सामने खड़े होंगे और बड़े पापा अरमान के गाल पर गुस्से में इतना जोरदार थप्पड़ मारेंगे कि वो अपनी गाड़ी पर ही गिर जाएगा। वहीं बड़े पापा ये कहते नजर आएंगे कि ये थप्पड़ अभिरा और रूही की जिंदगी बर्बाद करने के लिए है। इतना सब कुछ सुनकर अरमान टूट जाएगा और वो बड़े पापा को समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर किन हालातों में उसकी और अभिरा की शादी हुई थी। वो बड़े पापा का गुस्सा शांत नहीं कर पाएगा। वहीं आप देखेंगे कि अरमान और बड़े पापा की बात रूही दूर से ही सुन लेगी। जी हाँ, रूही ने बड़े पापा को ये बोलते हुए सुन लिया है अरमान से कि वो रूही से दूर रहे। अब वो बड़े पापा के जाने के बाद अरमान के पास जाएगी और वो अरमान को संभालने की कोशिश करेगी और कहेगी कि वो बड़े पापा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। लेकिन अरमान वहाँ से रूही से कुछ कहे बिना अपने कमरे में चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विद्या किचन में खड़ी है और गैस पर कुछ बन रहा है। तभी वहाँ पर रूही आ जाएगी और वो अचानक गैस को बंद कर देती है क्योंकि विद्या अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। तभी विद्या रूही से कहती है कि ये सारी हरकतें सिर्फ अभिरा की वजह से हो रही हैं और उसका और उसके पति का रिश्ता भी सिर्फ अभिरा की वजह से ही टूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब अरमान अपने कमरे में जाएगा तब दादी सा उसके कमरे में आ जाएंगी और दादी सा अरमान से कहेंगी कि माधव किसी की भी बात नहीं सुन रहा है और वो लगातार घर छोड़कर जाने की बात पर डटा हुआ है। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिरा एक होटल स्कैम में फंस गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या होगा अभिरा के साथ, कैसे बचाएगा अरमान अभिरा को इस मुसीबत से। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।